जनपद के नगर कोतवाली अंतर्गत अशोक लाट चौराहे के पास झांसी मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रशासन की विरोधाभासी गतिविधियों के चलते आज किया धरना प्रदर्शन। समाज सेविका शालिनी सिंह पटेल सहित आधा सैकड़ा महिला पुरुष ने निम्न बंदों पर विचार विमर्श करने का दिया निर्देश। पूर्व जिलाधिकारी हीरालाल द्वारा नवाब टैंक बांदा में सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑक्सीजन पार्क बनवाया गया था। उस समय पर भी भाजपा सरकार थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के महापुरुष थे। आज उनका नाम बदलकर अटल सरोवर ऑक्सीजन पार्क क्यों रखा गया? घरेलू गैस, पेट्रोल, डीजल, खाद, बीज व अन्य सामग्री के दामों में रोज बढ़ोतरी क्यों की जा रही है? नहर में पानी नहीं है, गांव में बिजली नहीं है, गांव की सड़कें खराब हैं, उनकी मरम्मत कब होगी और क्यों नहीं हो रही है? किसान आत्महत्या कर रहा है, अन्ना प्रथा की समाप्ति कब होगी? बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, महिलाओं के साथ चीर हरण व लूट डकैती हो रही है, गुंडा बदमाशों की प्रशासन सुनता है, शासन प्रशासन सरकार की गुलाम है, यह कब तक चलेगा? युवाओं को नौकरी नहीं है, ना कोई रोजगार है, शिक्षा पूरी चरामर है, स्कूल कब खुलेंगे, कारखाने कब चलेंगे? भाजपा की गूंगी बहरी सरकार के कानों में जनता की आवाज कब सुनेगी? उत्तर प्रदेश में शराबबंदी क्यों नहीं हो रही? शिक्षा स्वास्थ्य खराब क्यों? शालिनी पटेल सहित अन्य नगर वासी जिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रपति व राज्यपाल को ज्ञापन दिया, कहा दो दिन में नहीं दिया किया सुधार तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, प्रशासन होगी जिम्मेदार। बांदा से इमरान खान की रिपोर्ट, प्राइम मिटी न्यूज। आज किस तरह का आप लोगों का धरना चल रहा है? सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन है कि मैं बांदा के जिलाधिकारी आनंद सिंह जी से पूछना चाहती हूँ कि आपने सरदार पटेल सरोवर ऑक्सीजन पार्क का नाम क्यों बदला? क्या सरदार पटेल महापुरुष नहीं है? मुझे इसका आंसर चाहिए। दूसरा मेरा क्वेश्चन है, घरेलू गैस, पेट्रोल, डीजल में महंगाई क्यों? तीसरा मेरा क्वेश्चन है कि नहरों में पानी क्यों नहीं, बिजली की व्यवस्था क्यों नहीं, बेटियों से बलात्कार क्यों हो रहा है, महिलाओं पर चीर हरण क्यों हो रहा है, स्कूल क्यों नहीं खुल रहे हैं, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, युवाओं को नौकरी क्यों नहीं दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में शराबबंदी क्यों नहीं, क्या उत्तर प्रदेश में शराबबंदी क्यों नहीं, योगी सरकार कर रही है पूरे लॉकडाउन में शराब की बंदी क्यों नहीं, क्या शराबबंदी से इनका टैक्स ज्यादा बढ़ रहा है क्यों? हमें बुंदेलखंड अपना राज्य चाहिए, भीख नहीं अधिकार चाहिए। किस तरह चीर हरण हो रहा है और बांदा एसपी ने मुझसे परसों दिन कितनी बदतमीजी से बात किया नारायणी में, क्यों? मैं भारत देश की नागरिक हूँ, क्या मैं सवाल नहीं पूछ सकती हूँ? बताइए मुझे, मैं पूछना चाहती हूँ। और परसों एक महिला को बांदा कोतवाल में भास्कर मिश्रा ने किस तरह उसको डांटाया, किस तरह उसको टॉर्चर किया है कि उस शाम को आकर के आत्महत्या कर लिया है। आज उनके घर में दो बेटियों का लालन पोषण कौन करेगा? बांदा कोतवाल भास्कर मिश्रा को बर्खास्त होना चाहिए, हमारी यही मांग है। बांदा एसपी को भी बर्खास्त होना चाहिए, बांदा डीएम को यहाँ से जाना चाहिए, इनको बाबू की नौकरी। क्या आपने अधिकारियों को सूचना देकर के प्रदर्शन जारी किया? सूचना दिया है 3 दिन पहले, मेरे पास सूचना की कॉपी है, मैंने लिखित में दिया है उनको, ये मेरी मांगे थी, ये मैंने उनको सूचना दिया है। और हमने एलआई वालों को, इंटेलिजेंस वालों को बोला है कि हम 2 घंटे से बैठे हैं, जब कोई नहीं हमारी बात सुनने आया तब हम यहाँ रोड चक्का जा